हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। तो बैठ जाइए टीवी ट्रेन में और मैं लेके चलता हूँ आपको बिग बॉस ओटीटी के प्लेटफॉर्म की ओर। तो दोस्तों, बिग बॉस ओटीटी तो पूरे दिलो दिमाग में छाया हुआ है सभी हिंदुस्तानियों के घर में। अभी इनके कंटेस्टेंट्स भी काफ़ी ओवर द टॉप है, काफ़ी एंटरटेनिंग भी करते हैं। और ये एंटरटेनमेंट दिखाने के लिए आपके फेवरेट कंटेस्टेंट्स कितने पैसे लेते हैं, तो चलिए हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब जरूर कर देना हमारे चैनल को। बिग बॉस ओटीटी में सभी कंटेस्टेंट्स के एंटर होने से ही दो कंटेस्टेंट्स ऐसे हैं जो कि पूरे टीआरपी को ऊपर लेके जा रहे हैं, और वो है दिव्या और प्रतीक। जी हाँ, दिव्या और प्रतीक ऐसे कंटेस्टेंट्स हैं जो कि पहले ही दिन लड़ पड़े थे और व्यूवर्स को अपने और खींच रहे थे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं रिद्धिमा पंडित। रिद्धिमा पंडित को एक हफ्ते के लिए 5 लाख रुपए दिए जा रहे हैं। शमिता शेट्टी को 3.75 लाख रुपीज दिए जा रहे हैं पर वीक। उर्फी को 2.75 लाख दिए जा रहे हैं पर वीक। और बाथरो बॉय ईशान को दिए जा रहे हैं 2.5 लाख। दिव्य अग्रवाल को 2 लाख और नेहा भसीन को 2 लाख रुपए दिए जा रहे हैं पर वीक। म्यूजिक एमजी यानी कि मिलिन गाबा को पर वीक दिए जा रहे हैं 1.7 लाख रुपीज। राकेश बापत को 1.5 लाख। फिर मूज जताना को 1.5, निशान भट्ट को 1.5, और सबसे लोएस्ट पैसे जिसको दिए जा रहे हैं वो है प्रतीक सहजपाल। जो प्रतीक सहजपाल को जो कि वो इतने ज़्यादा एंटरटेन कर रहे हैं घर पर, उनको दिए जा रहे हैं सबसे लोएस्ट पैसे। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस वीडियो पर, कमेंट ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर देना।